मोदी सरकार की अब आपके घर पर रखे सोने पर नजर है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अखबारों में मीडिया में चल रही खबर है। इस खबर का अब तक सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से ना तो खंडन किया गया है और ना ही मंडन। जो हो रहा है सूत्रों के अनुसार हो रहा है, लेकिन खबर जंगल में आग की तरह फैल रही है। वैसे ऐसी ही खबर पहले भी आग की तरह फैली थी और फिर फुस हो गई थी। नोटबंदी के बाद कहा गया था कि अब सबके बैंक लॉकर सरकार सीज कर देगी, उसमें रखे सोने की जांच करेगी और बिना बिल वाले सोने पर टैक्स लगाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब फिर से कहा जा रहा है कि काले धन को रोकने के लिए सोने की सीलिंग की तैयारी हो रही है। बताया जा रहा है कि सरकार एक नई स्कीम लाने वाली है जिसके तहत बाप दादा परदादा के समय का सोना भी आएगा। लोगों को अपने घर में रखे सोने का पूरा हिसाब देना होगा, यानी आपके पास जो सोना है उसका बिल सरकार को देना होगा, कहां से खरीदा, कब खरीदा, कितनी कीमत पर खरीदा। इसके अलावा जिस सोने का कोई बिल नहीं है उस पर टैक्स चुकाना होगा। हम आपको साफ कर दें कि इस खबर की हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ सूत्रों के हिसाब से चल रहा है। क्या सचमुच ऐसा होने वाला है? क्या सचमुच सोने की सीलिंग होने वाली है? क्या सचमुच आपके दादा परदादा का बिना बिल वाला सोना टैक्स की परिधि में आने वाला है? ये सभी ऐसे सवाल हैं जो आपके दिमाग का दही किए हुए हैं। लेकिन इस पर आने से पहले देखते हैं कि आखिर ऐसी किसी स्कीम की जरूरत क्यों पड़ रही है, अगर पड़ रही है। कहा जाता है कि भारत में लोगों के पास 20,000 टन के आसपास सोना जमा है। कुछ जानकारों का कहना है कि गलत तरीके से लोग सोने का आयात करते हैं, जिसे मिलाकर यह संख्या 30,000 टन तक हो सकती है। सोने के आज के भाव के हिसाब से इसकी कीमत 107 लाख करोड़ रुपए बताई जाती है, यानी 1 से 1.5 ट्रिलियन डॉलर। अगर सोने की सीलिंग की खबर में कुछ सच्चाई है, तो फिर सवाल उठता है कि आखिर सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है। इसके 3-4 मुख्य कारण है। आर्थिक मंदी के दौर में सरकार को पैसा चाहिए। जीएसटी से 1 लाख करोड़ रुपए हर महीने कम से कम तो मिलने ही चाहिए, लेकिन सितंबर में तो 90,000 करोड़ से भी कम मिले। दूसरी योजनाओं में भी लक्ष्य से कम ही राजस्व मिल रहा है। सरकार को किसानों को 6,000 रुपए देने की योजना के लिए पैसा चाहिए, जिसे वो चाहकर बंद नहीं कर सकती या पैसा कम नहीं कर सकती। मनरेगा में मजदूरों की संख्या भी घटाई नहीं जा सकती। सरकार चालू बचत घाटे को बढ़ने नहीं देना चाहती, इसके लिए सरकार को पैसा चाहिए। हो सकता है कि सरकार के सलाहकारों को लगा हो कि सोने पर सीलिंग से ये समस्या हल हो सकती है, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? क्या सोना स्कीम सरकार को राहत देगी? इस पर बात करने से पहले देखते हैं कि आखिर स्कीम में होगा क्या, अगर कुछ हुआ तो। कहा जा रहा है कि सरकार व्यक्तियों के लिए और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए 4 किलो सोने की सीमा तय कर सकती है। इसी तरह ट्रस्ट के लिए सीमा 20 किलो सोना हो सकती है। बताया जा रहा है कि नीति आयोग ने यह सीमा तय की है। जानकारों के अनुसार 30% टैक्स बिना रसीद वाले सोने पर देना पड़ सकता है, जो सेस मिलाकर 33% हो जाएगा। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि आयकर विभाग को लगता है कि जिस तरह नोटबंदी में काला धन सफेद हो गया था, उसी तरह लोग यहां भी कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, जुगाड़ कर लेंगे। हमारे यहाँ गांव देहात में सोना रखना शुभ माना जाता है। भारतीय शादी सोने के बिना पूरी ही नहीं होती है। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने की परंपरा रही है। जन्म से मरण तक सोने की अपनी भूमिका होती है। भारत दुनिया में सोने की खपत का दूसरे नंबर का देश है। 73% सोने का इस्तेमाल सोने के जेवरात बनाने में खर्च होता है। ऐसे में परदादा दादा के समय का सोना जाहिर है कि बिना बिल के ही होगा, जिस पर टैक्स लगाने से एक बड़ा वर्ग नाराज हो सकता है। बीजेपी कभी ब्राह्मण बनियों की पार्टी कहलाती थी, और ये वर्ग सोने की सीलिंग से ज्यादा प्रभावित होगा, जिसका सियासी नफा नुकसान भी सरकार को समझना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी अक्सर कहते रहे हैं कि वोट की राजनीति नहीं करते, वो देश हित को ऊपर रखते हैं। ऐसे में देखना होगा कि अगर हम फिर साफ कर दें कि अगर सोने की सीलिंग होती है तो सियासी नफा नुकसान की हिस्सेदारी कितनी होगी। वैसे जाते जाते हम आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे दें। हमारे सूत्रों के अनुसार सरकार ने साफ किया है कि सोने की सीलिंग करने का उसका कोई इरादा नहीं। तो मस्त रहिए। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।